उसका थोड़ा ही तकलीफ है ऑक्सीजन का उसके लिए। कहाँ पे छोड़ना है? ओके तो कौन सा हो रहा है बस हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का वीडियो गुलमार्ग कश्मीर का वीडियो है। गुलमार्ग का मैं फर्स्ट एपिसोड दिवाली वाले व्लॉग से पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ जब मैं कश्मीर में था तभी। उसके बाद मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया था। प्रॉब्लम में क्या फंस गया था कि जिस क्लाइंट के यहाँ काम किया था उसने पेमेंट ही नहीं दिया और बहुत मुझे परेशान भी कर दिया था। अब मैं उस प्रॉब्लम से निकल के घर आ चुका हूँ। तो गाइज गुलमार्ग का वीडियो देखो, इन्जॉय करो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। खुद मिल सकता है चलाने के लिए, अगर मैं चलाऊंगा तो दो गए अभी हम पहुंच गए जहां पे हमको आना था। ये जो होटल है इस होटल का काम मैंने ही किया है सब। अब चलते हैं और देखते हैं कौन कौन है अंदर, होटल के मालिक है कि नहीं है। अशरफ साहब है कि नहीं? अशरफ साहब साहब अभी श्रीनगर में, श्रीनगर में ऑफिस में वो अभी। ये जो होटल में ये जितना वुड वर्क आप देख रहे हो ये सब मैंने 2018 में कम्प्लीट किया था और 2018 के बाद से अभी तक इसका पॉलिश का काम नहीं हुआ था, अभी ये हो रहा है। ये सब है विनियर में, बाकी ये सब पिलर बनाया था। यहाँ पे वॉल था, इस वॉल को भी मैंने तोड़वाया और इसको तोड़वा के मैंने इसमें एक नया डिजाइन दे दिया। ये जब काम हुआ तो इसमें कोई इंजीनियर नहीं था, इसमें सारा ड्राइंग मेरा है, सब कुछ मैंने खुद ही कराया है। ये बाथरूम का भी जितना रिनोवेट हुआ है ये सब मैंने खुद अपने डिजाइन से अपने ड्राइंग से मैंने कराया है। ये जो बना हुआ है ये रेस्टोरेंट का कंपार्टमेंट है, एरिया रेस्टोरेंट है ये, और इसमें ये सब टेबल वेबल लगेगा। जितना ये लाइट दिख रहा है ये सब लाइट के बीच में टेबल लगेगा और इसके आउटसाइड से चेयर लगेंगे और यहाँ से इसका व्यू देखने लायक होगा। देखिए जब स्नो का टाइम होगा, बर्फ यहाँ पे जब होंगे तब इधर का व्यू बहुत मस्त लगता है। यहाँ पे ये छोटा सा ये झुग्गी उगी है, लोग रहते हैं इसमें भी, बाहर के ही लोग होंगे, यहाँ का लोग तो वैसे झुग्गी में नहीं रहेगा। होटल का मालिक जो है अशरफ साहब, वैसे तो वो भी बहुत फ्रेंडली है, मेरे साथ दोस्ती भी उनका होता है और जब काम धाम होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं पे। मैं यहाँ पे आया तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं बनाया था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, नहीं तो उनको बोल देते तो वो रुक जाते, नहीं जाते श्रीनगर। अब मैं आया यहाँ, वो गए हैं श्रीनगर तो उनसे मिल नहीं पाए, और वैसे भी मुझे और भी कामों का प्रेशर है, और जगह मेरा साइट चल रहा है तो वहाँ भी जाना जरूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो यहाँ पर नहीं बना पाऊँगा गाइस, इसके लिए सॉरी। जब उधर से मेरा काम कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं एक दिन के लिए टाइम निकालूंगा ओनली वन गुलमार्ग के लिए, और गुलमार्ग में ही मैं जहाँ जहाँ पे ब्यूटी व्यू है वो सब जगह मैं जाऊँगा और सबका वीडियो मैं बना के आपसे शेयर करूँगा। चलते हैं, जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। वैसे भी वेदर भी थोड़ा ख़राब ही है, कब बारिश आ जाएगा कुछ पता नहीं है। यहाँ पे रुकेंगे और बारिश आ गया तो रास्ते में फंस जाएंगे और रास्ते में कहीं पे छुपने का भी कोई जगह नहीं है, और मेरा GoPro भी अभी वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि मैंने इसमें एक्सटर्नल माइक लगाया है और बाकी सब चीज़ें लगाया है। ऊपर का भी काम मैंने ही कराया है, वो सब चल के देख लेते हैं जैसा मैंने किया था वैसा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। बाकी ये सब पाइलिंग तो ठीक है, ये ब्रेक वाला डिजाइन भी, ये भी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। ऊपर देखते हैं ऊपर का कैसा है। देखो ये डिजाइन, इसको भी मैंने ही रेनोवेट किया है और रेनोवेट करके कुछ इसको ऐसे शक्ल दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बतलाना कैसा लग रहा है। बाकी यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं और मुझे लगता है कि अभी होटल में कोई टूरिस्ट भी नहीं है, यहाँ पे काम चल रहा है तो टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं। ये देखिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया, डू नॉट इंटर, ऑथोराइज पर्सनल ओनली।
तो मैं भी तो पर्सनल ही हूँ। अब चलते हैं किचन, थोड़ा देख लेते हैं। यह है किचन और इस किचन में देखिए एकदम वाजवान सब बन रहे हैं, पक रहे हैं, चिकन है ये। अचानक से मैं आ गया तो होटल के जो मालिक है अशरफ साहब, फ्रेंडली है वो बहुत, मेरे साथ उनका बनता है बढ़िया। अभी यहाँ पे नहीं है फिर भी उनके जो लोग है यहाँ पे वो लोग स्वागत कर रहे हैं अच्छे से। ये सब ये चिकन, ये कश्मीरी राइस है, कश्मीरी राइस, चिकन और को क्या है, दाल, दाल है। इसके बाद मैं आऊँगा तो पहले उनको कॉल करूँगा उसके बाद आऊँगा। बाकी इस होटल के आउटसाइड का लोकेशन देख लीजिए, बहुत ही टेस्टी चिकन है और दाल तो लाजवाब है, बहुत स्वादिष्ट दाल है। अब यहाँ पे इस होटल का जो स्टाफ है वो देखिए क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। क्या करेंगे, अभी तो होटल बंद ही है, बंद ही है। अब टूरिस्ट लोग आएंगे तभी तो आप लोग भी बिजी रहोगे। अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अब जरा उधर से देखते हैं कैसा व्यू आता है, उधर क्या है। बाकी इधर से तो व्यू एकदम मस्त है, ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप बनाए हुए हैं, इधर से कुछ ऐसा व्यू है। ये देवदार के पेड़ है देखिए, इधर कुछ खास नहीं है, जो है अच्छा है। यहाँ पे मैच चल रहा है, ये बोर्ड लगा हुआ है होटल का, होटल फ्लोरेंस एंड रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ दूसरे साइड से, मुझे फोन आ रहा है वहाँ पे जाना जरूरी है। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है गाइस, मैं क्या करूँ। ठीक है, कहाँ तक तो काम पहुँचल, और वह कंप्यूटर टेबल जो स्टडी का जो काम होते रहो हो गई। ठीक बा, आओ तनी, हम आओ तनी वही जन। यहाँ से ये घोड़ों का लाइन लगा हुआ है, ये कहाँ पे लेके जाते हैं घोड़ा को, कहाँ पे लेके जाते हैं घोड़ा घुमाने के लिए, किधर, साइड से, साइड से। अच्छा गोंडोला भी बंद है क्या, गोंडोला अभी चल रहा है कि बंद है, चल रहा है, चल रहा है। अच्छा अच्छा, जाना है खिलम तक, नहीं अभी अभी कहीं नहीं जाना, अभी तो ऐसे ही आ गए हैं। इधर होटल में हम काम किए ना, फ्लोरेंस होटल है ना, फ्लोरेंस रेस्टोरेंट, तो उसमें सारा काम मैंने किया है लकड़ी का, तो मैं वहाँ पे थोड़ा काम वाम देखने नज़र मारने आया था। अगर बर्फ वगैरह देखना है तो चलो, बर्फ है अभी पहाड़ों पर गिरा होगा, बर्फ नहीं पूरा। ये पॉइंट देखो, सही है सब पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं ना तो चलेंगे। अभी देखिए गोंडोला चल रहा है और चलो तो मौसम भी ठीक है, गंडोला पे अभी लोग अभी जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये जाता है उस पहाड़ी पे या ऊपर वाले, उस पहाड़ी पे जो ऊपर सबसे दिखाई दे रहा है वो। हाँ भैया चॉकलेट, सोना नहीं, ओके थैंक यू। इधर से दिखोगे, इधर से ये देखिए, ये चॉकलेट बेच रहे हैं और ये सिगरेट वगैरह सब बेच रहे हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए वो चॉकलेट इनसे खरीदेंगे और खाएंगे, इंजॉय करेंगे। यार टाइम ही नहीं गिना तो अभी हम घूमती हूँ गोंडोलापुर। भाई साहब आपके व्हीकल पे बस इधर मेरा है, वो मेरे को तकलीफ है, छोड़ेंगे उधर ऊपर ही, उसका थोड़ा ही तकलीफ है ऑक्सीजन का उसके लिए। कहाँ पे छोड़ना है, कौन सा होटल, बस हम सब, कौन सा होटल, राकेश कौन सा, मेरा अभी मैं काम करता हूँ फर्नीचर का, और मेरा काम अभी चल रहा है इधर फ्लोरेंस होटल या रेस्टोरेंट है ना वहीं पे, में खलील पैलेस, उसको मालूम है खलील पैलेस, आपको मालूम है। चलिए छोड़ के आते हैं राकेश से, मैं पर एक साइड चलेगी, कोई बात नहीं चलेगी। आंटी जी को प्रॉब्लम था पैर में थोड़ा उनके, तो वो चल नहीं पा रही थी, और एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है लाइफ में, है क्या, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। उन्होंने बोला, मैं उनको ड्रॉप कर दिया उनके होटल तक, अब चलते हैं।
वैसे तो मेरा ड्रीम है कि मैं एक बार गोंडोले पे घूमूं, लेकिन थोड़ा टाइम का ही प्रॉब्लम हो जाता है। बट कोई नहीं, जब मेरा वहाँ से वर्क इंड होगा तो मैं यहाँ पे स्पेशली टाइम निकालूंगा। एक बार मैं यहाँ के लिए स्पेशल यहीं के लिए मतलब पूरे गुलमार्ग के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाऊँगा और तब मैं आऊँगा और सब जगह मैं घूमूंगा और सबका मैं व्यू आपको दिखाऊँगा। ये चार पहिए वाला बाइक है, फिलहाल अभी चलते हैं, बहुत लेट हो गया। वहाँ से हमारी टीम फ़ोन कर रही है कि आ जाइए, अब मैं काम देखूँ या ये देखूँ कुछ समझ में नहीं आता है। चलते हैं वहीं पर। ये सब टूरिस्ट लोग आए हैं बाहर से यहाँ पे घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। कोई राइड करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई ट्रैकिंग भी करेंगे और हम तो नहीं कर पाएंगे अभी, तो हम चलते हैं। देखिए गुलमार्ग का, और ये जो एरिया देख रहा है ना, ये जब स्नो का टाइम आता है तो इसी पे लोग सिकिंग करते हैं। मैंने भी सिकिंग किया है कितनी बार यहाँ पे, मगर उस टाइम मेरा यूट्यूब पे चैनल नहीं था इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। बाकी सिकिंग एरिया यही है, इधर से ही सिकिंग करते हुए इधर आते हैं, अच्छा लगता है। और एक सिकिंग एरिया है डेंजर एडवेंचर ऊपर से, तो उधर बड़े लोग जाके करते हैं, जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वहीं उधर से सीकिंग करते हैं। बाकी लोग जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं वो लोग इधर से ही सीकिंग करते हैं। और ये पार्क है, यहाँ पे ब्यूटीफुल पार्क है। वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है उसी मंदिर में सत्यम शिवम सुंदरम मूवी का शूटिंग हुआ था, जिसमें वो गाना चल रहा है सत्यम शिवम सुंदरम, वो वही मंदिर है। मैं यहाँ पर ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, और मेरे जो टीम के मेम्बर है, जो मेरे वर्कर है, मेरे कारीगर है, वो लोग वहाँ पे थोड़ा परेशान है। बार बार फ़ोन करके बोलते हैं संतोष भाई आ जाओ, तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।